हेलो एवरीवन, आज आप लोगों के लिए बैड न्यूज़ है। पहले मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन फिर सोचा कि बना लूँ। दो तीन दिन से यही सोच रही थी कि बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, फिर लगा कि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही, हो सकता है उससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे बेटे श्रेय को 3 4 दिन से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, और हल्का हल्का सा उसको कफ सा लग रहा था। तो एक तो उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम, तो जल्दी टेंशन में आ जाता है। तो उसने बोला कि मुझे मतलब कोरोना वायरस टाइप का कुछ सिम्टम नज़र आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार तेरे को तो बुखार अभी आ नहीं रहा है, तो बस ऐसे ही बोला कि दूसरे दिन उसको फीवर भी आने लगा। तो फीवर 100 के ऊपर ही आ रहा था, तो फिर लगा कि डॉक्टर को दिखाना अब ज़रूरी हो गया है। तो फिर हम लोग यहीं पास में ही 2 किलोमीटर दूर एक डॉक्टर रहते हैं, तो उनके पास गए। लेकिन वो क्लिनिक में नहीं बैठते हैं, वो सिर्फ कॉल में बात करते हैं। तो जब कॉल पर उनको बताया कि ये प्रॉब्लम हो रही, तो उन्होंने मेडिसिन लिख दी और बोला कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप एक बार टेस्ट करा लीजिए। विक्टोरिया में उन्होंने टेस्ट के लिए लिख दिया। तो जब विक्टोरिया उसको टेस्ट के लिए गए, तो विक्टोरिया में डॉक्टर ने वहाँ जब चेक किया, तो बोले इसको सिम्टम नज़र नहीं आ रहे, तो इसका टेस्ट नहीं होगा। तो लौटा दिया, लेकिन उसका फीवर नहीं उतर रहा था। उसको मतलब टेबलेट दे देते थे पैरासीटामॉल वगैरह, तो थोड़ा देर के लिए 2 घंटे के लिए उतर जाता था और फिर आ जाता था। और सांस लेने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम सी होने लगी थी उसको, एंजाइटी की प्रॉब्लम। तो हम लोग को यही लग रहा था कि हो सकता है ज़्यादा उस बारे में सोच रहा है, इसलिए उसको ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रही। मतलब उसने 2 रात हम लोगों को ना सोने दिया, ना वो खुद सोया। फिर उसके बाद दूसरे दिन हम लोग तीसरे दिन गए फिर से डॉक्टर के पास, कि विक्टोरिया फिर गए कि नहीं इसका टेस्ट आप कर ही दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम हो रही, रात रात भर इसको नींद भी नहीं आती है। तो उन्होंने फिर टेस्ट किया, लेकिन एक होता ये है कि वहाँ जब टेस्ट कर लेते हैं, उसके तीसरे दिन आपको कॉल आएगा और कॉल में बताएंगे कि आपकी रिपोर्ट आ गई है, तो आप यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। जब मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तब तक कॉल नहीं आया अभी रिपोर्ट लेने के लिए। तो हम लोग भी थोड़ा सा 2 3 दिन से टेंशन में ही हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो बस उसी का वेट कर रहे हैं कि रिपोर्ट आ जाए, तो जल्दी से हम लोग मतलब टेंशन फ्री हो जाएं कि है या नहीं है, जो भी हो पॉजिटिव निगेटिव। तो बस एक एक अच्छी बात ये हुई है कि एकदम से शॉक नहीं लगेगा, कम से कम हमें 2 3 दिन का टाइम मिल गया। हम लोग खुद प्रिपेयर हो गए हैं, मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं कि अगर पॉजिटिव आता है तो वो तो पता ही है कि फिर सबका टेस्ट होगा, अगर निगेटिव आता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों ने अपने माइंड को सेटअप कर लिया है कि अगर पॉजिटिव आता है तो सबको मतलब रेडी रहना है इसके लिए। तो ठीक है यार, अब जो होगा देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जो होना है वो तो होके ही रहता है। तो बस हम लोग इसी उससे अभी 2 दिन से ऐसे काट रहे हैं। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक तो दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है। चलिए, अगर रिपोर्ट जैसी भी आती है, मैं आप लोगों को अपडेट जरूर करूँगी। और मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ कि निगेटिव आए।